वैसे ही है, बॉडी मूवमेंट स्ट्रेट चाहिए। ध्यान रहे कि हम ये जो प्लेइंग एरिना होता है इसके हमें बाहर जाना नहीं है, ये हमारा खेलने का हमारा दायरा है, इसको कहते हैं प्लेइंग एरिना। तो हमें इसके अंदर रहना है, और ये फिर वापस स्ट्रेट पकड़ लिया है और इसे मार दिया है, वापस सेम इधर ही है, बॉडी मूवमेंट करना है। यानी इम्पोर्टेंट एक बात आप समझ लीजिए कि बॉडी मूवमेंट सबसे मेन चीज़ है। अगर आप थोड़ी बहुत बॉडी मूवमेंट करेंगे कॉइन्स के साथ तो हमें कॉइन्स मारना आसान जाएगी, जगह पर हम लोग एक जगह पर बैठ के खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको बाय रूल इतनी जगह खेलने के लिए दी है प्लेइंग एरिना, तो हम इतने जहाँ जगह पर कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमको एक जगह पे बैठ के खेलना है, आपके लिए प्लेइंग एरिना है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। बट बाय रूल के अंदर हमें खेलना है कि हम खुद हमारा शोल्डर, हमारा एल्बो या हमारा पैर का कोई नीचे का हिस्सा ये कैरम के बाहर ना जाने पाए, नहीं तो फाउल में काउंट होगा। अभी जो हमने अभी कॉइन्स मारी है ना, ये बेस लाइन के बहुत ही नज़दीक है। जब हमें ऐसा लगेगा कि ये मुझे कॉइन्स अभी इजी जा रही है, यानी मैं 100% 101% में रूल के हिसाब से खेल रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा लाइन को बढ़ाना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं मैं अभी मार पा रहा हूँ, तो लाइन को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ये मारने के बाद थोड़ा लाइन को और बढ़ा लीजिए। आपको अगर लग रहा है कि मुझे नहीं जा रहा है, आप वापस नीचे आ जाइए, वापस आप नीचे आ जाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है खेलने में, वापस नीचे आ जाइए। जब तक आप हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, तब तक हम लोग लाइन को ऊपर लेके जाएंगे नहीं। ओके, जैसा आपका लाइन वापस कवर हो रहा है, ये आपको जा रहा है, थोड़ा सा लाइन आज जो है आप इसको अप कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा बेसिक है। ये अगर हम बेसिक कर लेते हैं तो आगे चल के हमको खेलने में और आसानी जाएगी। आपको लगा कि ये लाइन भी मुझे जा रही है, तो लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, जब हमारी कॉइन नज़दीक थी तो स्ट्राइकर टू कॉइन ये डिस्टेंस बहुत कम था, अभी अभी उल्टा है, स्ट्राइकर टू कॉइन ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। इसके लिए ये जो पॉइंट है, जो जगह है, इसको हमें छोड़ना नहीं है, ये हमारी स्ट्रोक की जगह है, ये हमारी जो स्ट्रोक है वो स्ट्रोक की जगह है, ये सब स्ट्रोक की जगह, ये जगह जगह वही रहेगी, जगह बदलेगी नहीं, सिर्फ कॉइन का डायरेक्शन बदलेगा। ये हमें यहाँ तक जाना है कम से कम, उसके बाद हमें वापस आना है, जितना हो सके हमें अभी ये करना है। इससे क्या होगा कि आपके फिंगर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको स्ट्रेट कॉइन्स मारने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर आगे का जो डेवलपमेंट का गेम है, यानी जो आगे का एडवांस ट्रेनिंग है, एडवांस पोजिशन है, एडवांस कैसा खेलना है, वो हम आगे सीखेंगे। बट ये जो है ये बेसिक है, और ये हर फील्ड में बेसिक है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हम मैथ सीखते हैं, तो मैथ्स का बेसिक क्या है, मैथ्स का बेसिक है टेबल। जिसके अगर टेबल अच्छे है वो मैथ सॉल्व कर सकता है, जिसके टेबल अच्छे नहीं है वो मैथ सॉल्व नहीं कर सकता, उसको दिक्कत आएगी। उसी तरह हमें ये बेसिक का जो प्रैक्टिस है, इसके लिए हमें इस पर ध्यान देना है कि हमें बेसिक बहुत ही मैक्सिमम जितना हो सके हमें ये बेसिक करना है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि ये प्रैक्टिस जो है आप कर सकते हो घर में, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, अगर आप में स्टैमिना अच्छा है तो आप बहुत ज़्यादा से 2-3 घंटा खेल सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप जितना इसको जल्द से जल्द कवर करेंगे उतना आगे जाने को आपको चांस मिलेगा। और ये बेसिक प्रैक्टिस है, इसमें आपको बॉडी मूवमेंट भी आ गया, आपका कॉइन्स लेने का जो तरीका है वो भी आ गया, स्ट्रेट कॉइन्स, हाउ टू गेट स्ट्रेट कॉइन्स, उसके बाद बॉडी मूवमेंट आपका आ गया, हाउ टू होल्ड स्टाइगर इन फिंगर, ये जो स्टाइगर जो पकड़ना है ये सबसे मेन चीज़ है। आप कैसा भी पकड़िए इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे मेन चीज़ है स्टाइगर पकड़ने की, स्टाइगर पकड़ने की स्टाइल। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये ग्रीप ग्रीप ग्रीप, मेरे हिसाब से ग्रीप नाम का कोई वर्ड नहीं है, किसी ने मिस गाइड के लिए बना है। तो मैं बहुत से प्लेयर लोग को यही बोलूँगा कि आप मैक्सिमम जो है वो अपने स्टाइल पे ध्यान दीजिए, आपको जो सुटेबल लगता है वैसा स्टाइगर पकड़िए। ज़रूरी नहीं कि तुमको ऐसा ही पकड़ना चाहिए, आप ऐसा पकड़ोगे तो ऐसा ही खेल पाओगे, इट्स नॉट गुड। वो जो ऐसा आपको कोई बता रहा है, शायद से आपको मिस गाइड कर रहा है, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि हर एक की अपनी एक स्टाइल होती है। आप बहुत से फील्ड में देखोगे, टेबल टेनिस मैंने एक प्लेयर देखा था, उसकी बैट पकड़ने की स्टाइल पूरी अलग ही थी, बट ही वॉज अ इंटरनेशनल चैम्पियन। बराबर है, क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे प्लेयर है जिनकी खेलने की स्टाइल पूरी अलग है, बट वो एक टॉप लेवल के प्लेयर है। तो वो मायने नहीं रखता कि
आपको स्टैगर ऐसा ही पकड़ना है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कॉइन मार रहे हो, आपकी कॉइन पैकेट में स्मूथली जा रही है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। इसके लिए मैं तो ये भी कहूँगा कि हर प्लेयर प्लेयर को आपको जो स्टाइल सूटेबल लग रही है आप वो स्टाइल से कॉइन मारिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको हमको क्या सीखना है कि हमको ये कॉइन्स मारना सीखना है, ये सब बेसिक सीखना है। तो ग्रिप ये वर्ड प्लीज़ आप जो खेलने वाले न्यू कमर से एडवांस प्लेयर है इन लोगों के दिमाग में ग्रिप ये वर्ड बैठ चुका है, और ये किसने बिठाया मेरे को भी पता नहीं है, बट मैंने कभी ग्रिप ये वर्ड यूज़ नहीं किया है। मैं हमेशा एक ही बात सीखा हूँ, स्टाइल ऑफ प्लेइंग, स्टैगर पकड़ने का तरीका, बस यही चीज़ है। बहुत से प्लेयर लोग ऐसे है कि टूर्नामेंट जीतते हैं और जो जीतने के बाद भी उनको कोई तो भी आके बोलता है कि तुम्हारी ग्रिप ऐसी है, और वो इंटरनेशनल प्लेयर ग्रिप की वजह से उसके माइंड सेट में होता है कि मेरी कहीं तो भी ग्रिप अच्छी नहीं है और उसका गेम पूरा ख़राब होता है। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि आप मैक्सिमम अपने गेम पर कॉन्सेंट्रेट करें और ग्रिप ये वर्ड को दिमाग से निकाल दें। ग्रिप नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, ओनली स्टाइल ऑफ प्लेइंग है, स्ट्राइकर पकड़ने का तरीका है, वो अपनी स्टाइल से खेल रहा है। ओके, तो मेरे दोस्तों जो न्यू कमर्स है जो कैरम सीख रहे हैं उनको सबको मैं यही कहूँगा कि आप ये बेसिक प्रैक्टिस है आप मैक्सिमम करिए और इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगली वीडियो में मैं आपको थम और सीजर, थम एंड सीजर के बारे में बताऊंगा, फिर वो भी हम देखते हैं इसको पकड़ के वो भी आपको उसमें ऐड करना। अभी ये स्टेट कॉइन्स का आप सीख रहे हैं, अभी थम एंड सीजर का आपको मैं बताऊंगा। ओके बाय।